आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। इतनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तू जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा, यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजते हो ना भाजपा को प्लान? सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे। क्या हुआ? फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता,
लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार। हा? कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं, आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। हा? मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आंटी, प्रेशियस पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा, तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ। ओके जी, आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का? जल्दी चलो, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू, नहीं हो सकता। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है। एमपी में सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलना, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें और वही भाजपा से शेयर कर रहे हैं। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले चलो। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है, शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए। मैं पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर। आप पहले मैसेज भेजिए, बाकी सब काम बाद में। सच, ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर, हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडियाज शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर, फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं, आज कहो बल्कि अभी कहो, उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर, शिवराज है तो विश्वास है, सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना? पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज़।
कश्मीरी पत्थरबाजों ने ली जवान की जान, अब तक पत्थरबाज माने जाते थे मासूम। बिहार पर बीजेपी और जेडीयू में समझौता, आधी आधी सीटें बटेंगी। संबित पात्रा का कांग्रेस पर हमला, सोनिया राहुल पर लगाए गंभीर आरोप। एक सौ सतासी इलाकों में पहुंची शिवराज की यात्रा, 43 विधानसभा क्षेत्र छूटे। सुप्रीम कोर्ट से नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत, चुनाव आयोग की अपील खारिज। नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा आपका स्वागत करता हूं दखल न्यूज में। अब खबरें विस्तार से, बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर के आतंकी पत्थरबाजों ने एक जवान की जान ले ली। आतंकी पत्थरबाजों ने के कारण सिपाही राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। सिपाही राजेंद्र सिंह ने अपनी शहादत देकर अलगाववादियों तथा कथित मानवाधिकारवादी संगठनों और कश्मीर के उन राजनीतिक दलों को कड़ा जवाब दिया है जो अक्सर घाटी में सेना पर अत्यधिक बल प्रयोग की दुहाई देते हैं। शहीद राजेंद्र सिंह की शहादत पर अब ये सभी खामोश हैं, क्योंकि जवान की जान उन्हीं पत्थरबाजों ने ली है जिन्हें ये लोग मासूम कहते हैं। पथराव की यह घटना गुरुवार शाम करीब 6 बजे की है। सेना की क्विक रिएक्शन टीम को सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों व कर्मियों के वाहनों के काफिले की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। सिपाही राजेंद्र सिंह सेना के इसी दस्ते का हिस्सा थे। वाहनों का काफिला अब जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अनंतनाग में टी जंक्शन के पास पहुंचा तो आतंकियों व अलगाववादियों की समर्थक हिंसक भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। सिपाही राजेंद्र सिंह व उनके साथियों ने अपने वाहन से नीचे उतरकर पथराव कर रही भीड़ को चेतावनी देते हुए रास्ता खाली करने को कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जवानों ने संयम बरता और गोली नहीं चलाई। इसी दौरान एक पत्थर सिपाही राजेंद्र सिंह के सिर पर लगा और वहीं गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके अन्य साथियों ने तुरंत उन्हें वाहन में पहुंचाया और किसी तरह पथराव कर रही भीड़ में से सभी वाहनों को वहां से निकाला। राजेंद्र सिंह को उपचार के लिए श्रीनगर स्थित सेना के बेस अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कहा कि अगर सिपाही राजेंद्र सिंह और उनके साथी चाहते तो वो पथराव कर रही भीड़ पर गोली चला सकते थे और लाठियों का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन सभी यही मानकर शांत रहे कि ये अपने ही बच्चे हैं, इन पर गोली चलाना या लाठी चलाना उचित नहीं है। उन्होंने संयम बरता और सिपाही राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। इधर कश्मीर के नौगाम में आतंकियों ने CISF के जवानों को निशाना बनाते हुए उन पर हमला किया। आतंकियों ने जवानों पर ग्रेनाइट से हमला किया जिसमें एक ASI राजेश कुमार शहीद हो गए। आतंकियों ने यह हमला आधी रात को किया। ICSF की जिस टीम पर हमला किया गया वो पावर ग्रिड की सुरक्षा में तैनात थी। बिहार में बीजेपी और JDU के बीच आगामी आम चुनाव में सीटों के बंटवारे पर समझौता हो गया है। समझौते के मुताबिक बिहार में दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगला आम चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और NDA पहले से ज्यादा सीटें जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श के बाद अगले चुनाव के लिए सीटों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा NDA में बने रहेंगे। इस मौके पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि आपसी समझौते से सीटों के बंटवारे पर सहमति हो गई है। साथियों के चर्चा में शुरू होकर आया है कि 2019 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बिहार में भी NDA एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। नीतीश कुमार जी रामलीला भारतीय जनता पार्टी के तीनों पूरे बिहार के कैंपेन की लीडरशिप लेंगे और अभी जो सीटें हैं बिहार में उससे ज्यादा सीटों के साथ
2019 के चुनाव में हम मजबूत होकर माननीय अमित शाह जी ने जो सहमति है जेडीयू और सपा बराबर उनको सहमति और बाकी लोगों के भूमिका के बारे में अंतिम दौर में बात चल रही है और इसके बाद जो सुनने होगा जैसा कि उन्होंने बताया दो तीन दिनों के अंदर नंबर ऑफ और इस बार नंबर ऑफ सीट की घोषणा हो जाएगी तो किस पार्टी को विश्वास करेगी सब्जियों में ज्यादा वक्त। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनको बिहार की सूखाग्रस्त स्थिति की जानकारी दी। अमित शाह ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा और राम विलास पासवान हमारे साथ रहेंगे। जब एक नया सहयोगी हमसे जुड़ गया है तो सभी के लिए सीट शेयर में कमी आएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जहां कांग्रेस राफेल और सीबीआई में चल रही खींचतान पर भाजपा को घेर रही है। वहीं भाजपा ने भी फिर से नेशनल हेराल्ड मामले का राग छेड़ दिया है। भोपाल में बीजेपी ने बीच सड़क पर पत्रकार वार्ता कर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया पर गंभीर आरोप लगाए। संबित पात्रा ने कहा कि माँ और बेटे दोनों इस मामले में बेल पर बाहर है। पात्रा ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड और नवजीवन के प्रकाशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराणा प्रताप नगर भोपाल में लीज पर जो जमीन दी थी, उस जमीन का राहुल और सोनिया के स्वामित्व वाली कंपनी ने कमर्शियल उपयोग कर भारी भ्रष्टाचार किया है। स्थान का महत्व है कि पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, जो इमारत आपको दिख रही है, ये एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL जिसको कि नेशनल हेराल्ड छापने के लिए मैंडेट मिला था और ये जमीन दी गई थी AJL को, उस जमीन पर खड़ी ये इमारत है। और आज मैं इस इमारत को भोपाल में बैठकर कहता हूं कि ये इमारत दिखाती है कि गांधी परिवार ने किस प्रकार से भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता को लूटा है। ये साधारण इमारत नहीं है बंधु, ये इमारत भ्रष्टाचार का स्मारक है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाचार पत्र की जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर भारी राशि गांधी परिवार ने हड़पी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गांधी परिवार कई दशकों से देश को लूटने का काम कर रहा है। समित पात्रा ने भोपाल में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की बात करते हुए कहा कि मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो भ्रष्टाचार का बड़ा मॉन्यूमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा को बीच में ही रोका। चुनाव की तैयारियों के चलते भाजपा ने यह फैसला लिया है। भाजपा के मध्य प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री की जनआशीर्वाद यात्रा को प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में घुमाना था, लेकिन पार्टी ने इसे आधे में ही समाप्त करने का फैसला किया। सीएम शिवराज सिंह अपनी यात्रा में 187 विधानसभा में घूम चुके हैं। पार्टी की चुनाव की तैयारियों में चलते यात्रा रोकी गई है। हालांकि जनआशीर्वाद यात्रा को 55 दिन में 230 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचना था, लेकिन यात्रा 103 दिन में 187 विधानसभा क्षेत्र में ही पहुंच सकी। यात्रा समाप्त होने के 43 विधानसभा क्षेत्र छूट गए हैं। शिवराज सिंह की इस यात्रा में सभी जगह जबरदस्त भीड़ और लोगों में उत्साह देखने को मिला। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए दखल न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज हैं तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें।
प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था। आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊँ। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं तो। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तू जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजते हो ना भाजपा को प्लान? सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे ना। क्या हुआ? फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता, लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार, कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं, आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आंटी, फ्रेशर्स पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा, तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर,
बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ, ओके? कीजिए। आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का? जल्दी चलो, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू, नहीं हो सकता। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है। एमपी में सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलना, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें और वही भाजपा से शेयर कर रहे हैं। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले चलो। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है, शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए। मैं पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर। आप पहले मैसेज भेजिए, बाकी सब काम बाद में। सच, ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर, हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडियाज शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर, फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं, आज कहो बल्कि अभी कहो, उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर, शिवराज है तो विश्वास है, सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना? पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दखल न्यूज़ में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कोंटा विधानसभा इलाके में बसपा के प्रत्याशी बुद्धराम कोटामी की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि बुद्धराम ने कोंटा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी बुद्धराम कोटामी के अपहरण मामले में रायपुर पुलिस ने जानकारी दी है कि पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार रायपुर के टीकारा पारा क्षेत्र में बुद्धराम अपनी पार्टी के कुछ साथियों के साथ फ्लैक्स बनवाने राजेंद्र नगर से रात टीकरा पारा पहुंचे थे। सभी बीएसपी कार्यकर्ता फ्लैक्स बनवाने पहली मंजिल पर चले गए। बुद्धराम नीचे गाड़ी के पास ही खड़े थे। साथ ही जब काम खत्म करके वापस आए तो बुद्धराम की सिर्फ स्कॉर्पियो खड़ी थी जिसमें से वो गायब थे। पुलिस के पूछने पर साथियों ने अपहरण की आशंका जताते हुए कोंटा ले जाने की बात कही। हालांकि इस बारे में बीएसपी
ने कोई लिखित शिकायत पुलिस के पास नहीं की। रायपुर की राजेंद्र नगर पुलिस अपने स्तर पर इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुछ नहीं बात नहीं कर सकता, लेकिन कल परसों तक बात करता हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ से अपहरण करके ले गए थे। देखिए, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में एक समझौता हुआ। 55 सीटों में जोगी कांग्रेस लड़ेगी और 35 सीटों पे बीएसपी लड़ेगी। फिर बाद में जोगी जी ने प्रयास किया सीपीआई को साथ में लाने का, तो उसमें हमारे कोटे से 35 सीटों में से 2 सीट दंतेवाड़ा और कोंटा सीपीआई के लिए छोड़ने के लिए कहा गया। तो तब तक हमारे बीएसपी से प्रत्याशी हमारे बुद्राम कटामी जी थे। तो हमने फिर जब 2 सीट सीपीआई को देने का बात हुआ, तो हम लोगों ने हमारे बुद्राम कटामी जी को कहा कि भाई हमको छोड़ना पड़ेगा, ये सीपीआई के लिए है। इस मामले में अपहरण की कहानी से ज्यादा राजनीति नजर आ रही है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, बीएसपी और सीपीआई के गठबंधन में सीपीआई को कोंटा सीट देने के बावजूद बुद्धराम ने बहुजन समाज पार्टी से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बताते हैं, बुद्धराम की जिद के चलते उन्हें बी फार्म भी पार्टी ने दे दिया है। इस मामले को वोट काटने की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, उनका ही हाथ है, लखमाराम का हाथ है। लखमाराम के इशारे पर कटान बुद्धराम का अपहरण हुआ है। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, अपहरण हुआ है। और उनको अपहरण करके उनको प्रलोभन देंगे, पैसा देंगे, तमाम चीज़ें वादे करेंगे और उसके बाद उनका नाम वापस कराने का उनका इरादा है। ये योजना है, उसी योजना के अंतर्गत उसको रायपुर से अपहरण कर लिया गया है। मैं सब लोग को बोला उस दिन भी, कोई भी अगर चुनाव लड़ने से आता है तो लड़े, लेकिन मनीष कुंजाम जो हारने वाला आदमी आरोप पहले से लगाना उसी समझता है, इसलिए मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये गठबंधन हुआ है। अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी का वोट कम्युनिस्ट को नहीं मिलेगा, इनके कारण मनीष कुंजाम ने अनाप जनाप आरोप लगाना बंद करे। ये चौसी साहब जी तरीका से, जब हम लोग स्कूटनी में गए थे कलेक्ट्रेट ऑफिस से, उसको कंधा को पकड़ कर मनीष कुंजाम वहाँ से ऑफिस से देख निकल रहा था, मैं देखा भी नहीं हूँ, और मेरे ऊपर लगाना आरोप लगाना ये बेबुनियाद है, गलत है, पूरी तरह झूठ है। भाजपा सरकार में जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट से नरोत्तम मिश्रा के पक्ष में दिए गए फैसले को बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने के लिए से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री नरोत्तम मिश्रा के लिए यह फैसला एक बड़ी राहत के लिए लेकर आया है। नरोत्तम मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने साल 2008 में विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपनी चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद 2009 में उन पर कार्रवाई की गई थी। राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के चुनावों के दौरान पेड न्यूज और चुनाव खर्च की झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने 23 जून 2009 को नरोत्तम मिश्रा को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। चुनाव आयोग ने पाया था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपनी चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस साल दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, जब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य करार दिए जाने के लिए चुनाव आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव चुनावी घोषणा पत्र के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों से भी चर्चा कर रहे हैं। वे अलग अलग इलाकों में पहुंचकर जनता से रायशुमारी कर रहे हैं। जन घोषणा पत्र के लिए लोगों से रायशुमारी करने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव कोंडा गाँव पहुंचे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और सुझाव भी दिए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में किसान, युवाओं और महिलाओं की मांग और समस्याओं को घोषणा पत्र पर प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बस्तर में शांति बहाल करना कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता है। रेलवे लाइन की बातें पहले भी आई थी, यहाँ उड़ीसा से अपना जगदलपुर कांकेर होते हुए रायपुर को ले जाने की बात पहले भी प्रस्ताव लोगों ने किए थे,
उसको भी हम लोग घोषणा पत्र में लाएंगे। और अब क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की एक इकाई भी बनी है जिसमें रेलवे लाइन को भी हम ले सकते हैं, तो ये बात नहीं है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार भी है रेलवे विभाग पर निर्भर। ऐसी और बात कोंडागांव में सिंहदेव ने शिल्प ग्राम देखने की इच्छा जाहिर की। शिल्प ग्राम का भ्रमण कर बस्तर की कलाकृतियों के बारे में जाना और इस कलाकृति से जुड़े कलाकारों की प्रशंसा भी की। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए दखल न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। इतनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब भी के अब भी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो, अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोल दी, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा, यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो
भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है? सर आप सही कह रहे हैं और शिवराज जी तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे ना। क्या हुआ? फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता, लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार। हाँ कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। हाँ मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। आंटी फ्रेशर्स पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ। ओके जी। आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का? जल्दी चलो एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू नहीं हो सकता। अरे देख समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है। एमपी में सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलो ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें और वही भाजपा से शेयर कर रहे हैं। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो तो अभी चले चलो। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए। अरे पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर। आप पहले मैसेज भेजिए बाकी सब काम बाद में। सच ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडियाज शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं आज कहो बल्कि अभी कहो, उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर
शिवराज है तो विश्वास है, सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना? पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दखल न्यूज में। आदतन शराबी पिता की हरकतों से तंग आकर एक पुत्र ने अपने पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। यह घटना सीहोर के नशुल्लागंज इलाके की है। कहा जाता है कि पहले आदमी शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लग जाती है। ऐसे में घर का सुख चैन शराब की भेंट चढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ सीहोर जिले के नशुल्लागंज तहसील के छोटे से गांव छिंदगांव मौजी में हेमराज के यहाँ हुआ। हेमराज शराब के नशे में हंगामा करता था, इसे लेकर गांव तक सब उससे परेशान थे। शराबी पिता की करतूत उसके पुत्र प्रीतम राज को नागवार गुजरने लगी। शराबी पिता को सबक सिखाने की नीयत से प्रीतम ने पिता की लाठी से पिटाई की। पिटाई से हेमराज की मौत हो गई। मृतक शराब पीने का आदि था, उसको परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करता था। उसमें रात के उसके लड़के ने गुस्से में आकर उसको जानलेवा हमला किया और उसके सर पर दूसरी बार वार की लकड़ी से, जिससे वो मतलब खून लगा हुआ छोड़ गया। सुबह देखा तो मृत अवस्था में पाया गया था। इस मौके पर जाकर कार्रवाई कर दी गई और आरोपी पुलिस हिरासत में आ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक हेमराज का शव बरामद कर आरोपी पुत्र प्रीतम राज को गिरफ्तार कर लिया। अब नसरुल्लागंज थाना पुलिस ने कलयुगी हत्यारे पुत्र प्रीतम राज के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। हमारे सीहोर संवाददाता अरुण राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी बताएं क्या है पूरा मामला? सर ये नसरुल्लागंज का एक गाँव है जी, छिदगांव मोजी जी, और यहाँ पे कलयुगी पुत्र है, कलयुगी पुत्र जिसका नाम है प्रीतम राज जी, और इसके पिता का नाम है हेमराज जी। इसने अपने पिता की आदतन शराब पीने के चक्कर में इसने अपने पिता को मार दिया जी। क्या कोई गलत हरकत भी करते थे इसके पिता? सर ये आकर के घर परिवार में बहुत ज्यादा मारता था, अपनी पत्नी को भी मारता था, बेटे से पैसे छुड़ा लेता था, जो भी मजदूरी करके आता था ये जी, और बहुत प्रताड़ित करता था, परेशान हो गया था। तो इस चक्कर में पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने किस मामले के तहत इस पर प्रकरण दर्ज किया है? सर सतेन जी हैं चौकी प्रभारी जी जी, इन्होंने 302 का मामला बनाया है इसके जी, ऊपर जी, जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करवा चौथ के व्रत का इंतजार हर सुहागिन महिला को रहता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिनों अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना की जाती है और इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी की टोटी वाले पात्र जिसे करवा कहा जाता है उससे जल अर्पित किया जाता है और चतुर्थ तिथि को चौथ कहते हैं। इस दिन मूलतः भगवान गणेश गौरी तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। महिलाएँ इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और मेहंदी लगाती हैं। आज करवा चौथ है, चांद का इंतजार है, हर सजना की सजनी की होड़ आज चांद से है और 16 श्रृंगार करके महिलाएं आज रात को चांद का इंतजार करेंगी। चांद निकलेगा, व्रत तोड़ेंगी। 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार होता है मेहंदी। जैसा कि आप देख रहे हो मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, मेरे साथ रानी है, रानी मेहंदी लगा रही है। रानी कई सालों से, इनफैक्ट उन्होंने जैसा बताया वो बचपन से मेहंदी लगा रही हैं। रानी को शौक भी है मेहंदी लगाने का और मेहंदी महिलाओं के लिए एक बहुत विशेष श्रृंगार होता है जो वो खास तौर पे करवा चौथ पे लगवाती हैं। हम बात करते हैं रानी से। रानी, करवा चौथ है और सभी महिलाओं में होड़ रहती है 16 श्रृंगार करने की, उसमें एक श्रृंगार होता है मेहंदी, तो क्या डिमांड रहती है औरतों की? मेहंदी बहुत टाइप्स की रहती है लेकिन सभी ये चाहते हैं सबसे बेस्ट मेहंदी हमारी हो, तो अभी ट्रेंड में ज़्यादा अरेबियन मेहंदी है। पहले लोग बहुत फुल मेहंदी लगवाते थे लेकिन आजकल अरेबियन का ज़्यादा ट्रेंड है, तो डिज़ाइनर मेहंदी जैसे कि जो मैंने भी लगा रखी है।
उस टाइप की, लोग बहुत खुश होते हैं और सभी चाहते हैं हमारी मेहंदी बेस्ट हो, तो ऐसी लगाती हूँ मैं उन्हें। मेहंदी को प्यार से जोड़ा जाता है जी, तो कैसे कैसे सवाल करती हैं महिलाएं जब मेहंदी लगवाती हैं? कुछ के क्वेश्चंस होते हैं, रचेगी या नहीं रचेगी, बहुत जल्दी छूट तो नहीं जाएगी, इस टाइप्स बस। जब मेहंदी लगाते हो तो कितना वक्त लगता है मेहंदी लगवाने की, या कोई ख़ास तौर पर डिमांड रहती है औरतों की करवा चौथ पे? नहीं, वैसे ज़्यादा तो डिमांड नहीं होती, बस डिमांड बस ये होती है कि हमारी सबसे बेस्ट मेहंदी हो, जिसकी भी मेहंदी होती है सब यही सोचते हैं हमारी सबसे सुंदर मेहंदी होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता मेहंदी लगाने में, अरेबियन लगा रहे हैं तो 15-10 मिनट में हो जाते हैं। फुल हैंड लगाते हैं तो कितना वक्त लगता है? लगभग 25 मिनट्स। कितने सालों से मेहंदी लगाने का काम? वैसे तो मैं बचपन से ही लगा रही हूँ, मुझे बचपन से बहुत शौक है मेहंदी लगाने का भी और ख़ुद को लगाने का भी, तो वो मैं बचपन से ही कर रही हूँ। चंद्रमा को सामान्यतः आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है, इसीलिए चंद्रमा की पूजा करके महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। यह पर्व सौंदर्य प्राप्ति का पर्व भी है, इसको मानने से रूप और सौंदर्य भी मिलता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रुको रुको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब भी के अब भी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहन और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो, अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है
तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है? सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। कितने मेहनती किसान है हमारे, बस थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना तो वारे। क्या हुआ? फसल के अच्छे दाम मिले इसलिए कई बार इन्हें इंतजार करना पड़ता, लेकिन हाथ में पैसा हो इसलिए फसल कम दामों में बेचनी पड़ती। तो तुम मदद करो उनकी। कैसे? जब फसल कोल्ड स्टोरेज में आए तो कुछ राशि उनको एडवांस के तौर पर दे दो, और जब फसल बिक जाए वो राशि और भाड़ा काट किसानों को वापस दे दो। सॉलिड आइडिया यार। हाँ, कल ही भाजपा को भेजता हूँ। कल नहीं, आज ही। अगर एमपी के किसानों का तुम्हारे आइडिया से भला हो सकता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और शिवराज है तो विश्वास है कि हमारे आइडिया को ईमानदारी से लिया जाए। तो फिर एमपी को समृद्ध बनाने में देर क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। पार्टी में देरी हो रही है। आपका एक्सपीरियंस दिखता है आपके काम में। बहुत संघर्ष किया है बेटा, तब जाके ये काम सीख पाई। अब तो ऐसा लगता है ना कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मैं जरूरतमंद लड़कियों को ये काम सिखा सकूं। लेडी स्किल शेयरिंग सेंटर, बहुत बढ़िया आइडिया है। समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दीजिए ना ये सुझाव। लेकिन पहले तुम दोनों रेडी हो जाओ। ओके जी, आपके इस आइडिया से प्रदेश की कितनी सारी महिलाओं का भला होगा, पहले इसे भेजिए। और शिवराज है तो विश्वास है कि मेरा आइडिया वैल्यू किया जाएगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी किस बात की? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। ये कोई टाइम है सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करने का? जल्दी चलो, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तुझे क्या लगता है, सोशल मीडिया प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ट्रू, नहीं हो सकता। अरे देख, समृद्ध एमपी के लिए एक नया आइडिया है। एमपी में सेंट्रलाइज इंटरनेशनल प्लेसमेंट सेल खोलो, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को यहाँ कर हायर करें, और वही भाजपा से शेयर कर रहे हैं। और ये आइडिया तो तुम बाद में भी दे सकते हो, तो अभी चले चलो। अरे अपने प्रदेश और उसके फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब बड़ी बात तो यह है, शिवराज है तो कॉन्फिडेंस है कि हमारे आइडियाज की वैल्यू की जाएगी। सही बात है, शेयरिंग के लिए सोशल मीडिया सबसे पावरफुल मीडियम है। करेक्ट। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। सही। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव। समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, सर जल्दी से रिपोर्ट चेक कर लीजिए, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। हाँ यार, एक आइडिया है तो समृद्ध एमपी के लिए, पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, शाम को मैं फ्री होकर भेजता हूँ भाजपा को। सर ये फाइल दीजिए। सर पूरी तरह देख तो लेने दो। अपनी मिट्टी की सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं होता सर। आप पहले मैसेज भेजिए, बाकी सब काम बाद में। सच, ये कॉन्फिडेंस तो है कि शिवराज अपने आइडियाज को बहुत ही सीरियसली लेंगे और इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना?
दीजिए भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है सर, हमसे दूर जा रहे हो फिर भी खुश लग रहे हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर संघर्ष बहुत किया है, अब आराम करूंगा और अपने अनुभव के आधार पर रोजाना एक आइडिया समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को दूंगा। तुम लोग भी अपने पेरेंट्स से उनके आइडियाज शेयर करने को कहो ना। ठीक है सर, फ्री होकर बोलते हैं उनसे शेयर करने को। फ्री होकर नहीं आज कहो, बल्कि अभी कहो, उन लोगों के आइडिया से समृद्ध प्रदेश बने तो बड़ी बात होगी ना। हाँ सर, शिवराज है तो विश्वास है सबका आइडिया सुना भी जाएगा और इम्प्लीमेंट भी होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए इंतजार क्यों करना, पेरेंट्स से आज ही कहो कि वो भी दे भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। देख रहे हैं दखल न्यूज़।